नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ प्लस पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विभय राणा और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समूचा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिस कारण से हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति में हैं। और जिस कारण से हम अपने अपने घरों में कैद होने की वजह से वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सभी लोग जो लोग ऑफिस में काम करते थे या किसी भी प्रकार का काम कर रहे थे, सभी लोग काम बंद होने की वजह से अपने अपने घर पर हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं और ये तो भारतीयों का शौक ही है ज़्यादा खाना। इस वजह से सबका वज़न बढ़ चुका है। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर वेट लॉस यानी कि मोटापा पर काबू करने के लिए योग व्यायाम लेकर आया हूँ और आगे चल के हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किन सूक्ष्म व्यायाम एवं योग क्रियाएं आसनों से हम मोटापे पर काबू पा सकते हैं। सर्वप्रथम योग अभ्यास शुरू करने से पहले अपने शरीर को हम योग अभ्यास करने के लिए तैयार करेंगे और योग के लिए तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके पूरे शरीर पर काम करेगा, सारी मांसपेशियों को एक्टिव करेगा। ताड़ासन के लिए आप अपने दोनों हाथों कंधे के लेवल तक उठाएँ, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पंजों को बाहर की तरफ पलटें। अब दोनों हाथों को खींचते हुए अपने कान से बराबर सटाएं, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को आसमान की तरफ उठा दें और होल्ड करें। यहीं पर होल्ड करना है कम से कम 10 सेकंड के लिए। इसी स्थिति में बने रहें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। एक बार फिर से हाथ कंधों के समान उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक, पंजे बाहर की तरफ पलट दें, हाथों को खींचते हुए कान से सटाएं, श्वास बढ़ते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को आसमान में उठा दें। इसी स्थिति में कम से कम 10 सेकंड बने रहें। अब धीरे से वापस सम स्थिति में आ जाएं, दोनों आपके टांगे पैर मिले हुए, हाथ आपके जंगा के सटे हुए, गर्दन सीधी, कमर सीधी। तो ये था ताड़ासन, जो कि आपको योग अभ्यास के लिए एक तरीके से तैयार कर रहा है, आपकी सारी मांसपेशियों को एंगेज कर रहा है। अगली क्रिया हम ग्रीवा शक्ति विकासक की करेंगे, नेक ट्विस्टिंग, जिसके लिए सर्वप्रथम समस्थिति में आए। अब दोनों हाथों को उठाकर अपने बेस पर रखें, गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए गर्दन को उल्टी तरफ लेकर जाएं, श्वास भरें गर्दन सामने, श्वास भरें गर्दन पीछे की तरफ, श्वास छोड़ें गर्दन सामने, श्वास भरें गर्दन उल्टी तरफ लेकर जाएं, श्वास छोड़ें गर्दन सामने, श्वास भरें गर्दन सीधी तरफ, श्वास छोड़ें गर्दन सामने की तरफ, रिलैक्स। एक बार पुनः समय स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति के बाद वक्षस्थल शक्ति विकासक का करेंगे। वक्षस्थल शक्ति विकासक करने के लिए सर्वप्रथम समय स्थिति में आ जाएं। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ उठाएं, हल्का सा कमर से, अपर बैक से बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से श्वास भरते हुए आर्च बैक फ्रॉम द अपर बैक, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथों को सामने उठाएं, अपनी बॉडी को राइट साइड एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें,
ध्यान रहे कि आपके घुटने ट्विस्ट ना हो, केवल अपर बॉडी ट्विस्ट हो। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लेकर आएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए उल्टी साइड लेकर जाएं, धीरे से श्वास भरते हुए वापस, दोनों हाथ धीरे से नीचे, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन का। अर्धचक्रासन के लिए शोल्डर के लेंथ पर अपने दोनों पैरों को खोलें। अब धीरे से दोनों हाथ को अपनी कमर पर लेकर आएं, वेस्ट पर। ध्यान रखें आपकी दोनों एल्बोस पैरलर करने का प्रयास करें और धीरे से आप कमर को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। धीरे से वापस। ध्यान रहे इस आसन में श्वास भरते हुए पीछे जाना है, जिसके बाद आपको आंखें बंद नहीं करनी है और श्वास को भी रोकना नहीं है। धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास जारी रखना है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पुनः समय स्थिति में आना है, ठीक है। अगला अभ्यास करेंगे जंगा शक्ति विकासक का। जंगा शक्ति की विकासक के लिए अपने दोनों पैरों में 1 फीट का गैप करें, दोनों हाथ सामने शोल्डर लेवल पर करें और धीरे से चेयर पोज बनाकर बैठ जाएं। ध्यान रखें आपके नी आपके पैर से आगे ना जाएं। इसी प्रकार से स्थिति में बने रहें कुछ क्षण, 10 सेकंड के लिए अपने शरीर को यहीं पर रोकें और धीरे से वापस। इसी अभ्यास को 3 बार दोहराएं कम से कम। अगला अभ्यास स्टैंडिंग में ही ऊर्ध हस्तोत्थान आसन करेंगे, इसे त्रियक ताड़ासन के रूप में भी जाना जाता है। त्रियक ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को सामने शोल्डर लेवल पर उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, पंजे सामने की तरफ पलटें, दोनों हाथों को अपने कान से सटाएं और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को बेंड करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, धीरे से श्वास भरते हुए वापस, अपनी बॉडी को फिर से एक बार ऊपर की तरफ ताने, अब श्वास छोड़ते हुए सीधी तरफ बॉडी को बेंड करेंगे। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, धीरे से वापस, अपने हाथों को सामने से धीरे धीरे वापस लाएंगे पुनः स्थिति में। ध्यान रहे जो लोग बिगिनर्स हैं वो इस आसन में अपने दोनों पैरों के बीच में हल्का गैप भी ले सकते हैं और जो एडवांस प्रैक्टिशनर हो चुके हैं वो लोग पैर बंद करके, मतलब पैरों को मिला के करें तो ज़्यादा इसका प्रभाव होगा। अब कमर के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसमें सर्वप्रथम उत्तान पादासन का अभ्यास। कमर के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहले उत्तान पादासन, तो कमर के बल लेट जाएं, धीरे से कमर के बल लेट जाएं, आपके दोनों पैर आपस में मिले हुए, पैरों की उंगलियां आपस में मिली हुई, आपकी गर्दन व पैर एक सीध में, हाथ जंगा से सटे हुए, हथेलियां जमीन की तरफ। पहला अभ्यास पीठ के बल लेटे हुए आसनों में उत्तान पादासन का करेंगे। उत्तान पादासन के लिए अपने दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक उठाएं, दोनों पैरों के अंगूठों उंगलियों को अपनी तरफ शरीर की तरफ खींचें। कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें, कम से कम 10 सेकंड अपने शरीर को यहीं पर रोकें। धीरे से वापस। शवासन में विश्राम करेंगे, आपके दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, हाथ की हथेलियां ढीली, कंधे शिथिल, हथेलियां आसमान की तरफ, खाली होया कोई का। धीरे से आंखें बंद, अगला आसन हलासन का करेंगे अभ्यास। जो लोग हलासन का पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं कर सकते हैं वो लोग अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे।
सर्वप्रथम मैं आपको अर्ध हलासन करके दिखाऊंगा, उसके बाद हलासन में जाऊंगा। अर्ध हलासन के लिए पीठ की बल लेटी हुई सम स्थिति में आएं, आपके दोनों पैर पैरों की उंगलियां आपस में मिली हुई, दोनों हाथ जंगा से सटे हुए, हथेलियां जमीन की तरफ। अब धीरे धीरे अपने पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं, पैरों को आप अपने तरफ खींचें, पैरों की उंगलियों को कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। यह हलासन है। हलासन, अर्ध हलासन आपके पेट की चर्बी को कम करने का प्रयास करता है, मदद करता है। अब यहीं से हलासन में जाएंगे, इसे मोड़ते हुए पीछे जमीन पर अपने पैर को टेकेंगे, कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, धीरे से वापस पुनः स्थिति में। शवासन में विश्राम करेंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ शिथिल, दोनों कंधे शिथिल, धीरे से आंखें बंद। अगला अभ्यास सेतु बंधासन का करेंगे। सेतु बंधासन के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास में रखें। अब दोनों पैरों के टखने को अपने हाथ से पकड़ें, सेतु यानी कि ब्रिज अपने शरीर से एक पुल के समान आकृति बनाना, जिसका अर्थ सेतु बंद आसन माना गया है। सेतु बंद आसन के लिए अपने बटक्स और स्टमक को ऊपर उठाएं, यानी कि पेट और हिप्स को ऊपर उठाएं, अपने चिन को कंठकूप से मिलाने का प्रयास, कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें, धीरे से वापस ना स्थिति में आ जाएं, धीरे से शवासन की स्थिति में विश्राम करें। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, आपकी दोनों हथेलियां आसमान की तरह, कंधे शिथिल, धीरे से आंख को बंद करेंगे। 3 लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अभ्यास एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम पवन मुक्तासन का वेरिएशन के साथ अभ्यास करेंगे। एक एक पैर के साथ पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल लेटी हुई सम स्थिति में आ जाएं। अब अपने उल्टे पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने पेट के पास लाएं, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें, अपने छाती से मिलाने का प्रयास और अपनी गर्दन उठाकर अपने घुटने को छूने का प्रयास, कुछ क्षण इसी प्रकार स्थिति में बने रहेंगे, धीरे से अपनी गर्दन नीचे, हाथ वापस और पैर वापस। जो लोग दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, वो घुटनों से मोड़ते हुए अपने पेट के पास लाएं, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करें, घुटनों को पकड़ें, अपनी छाती से मिलाने का प्रयास, धीरे से अपनी गर्दन को उठाएं, अपने दोनों घुटनों के बीच में लेकर जाएं, कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, धीरे से वापस गर्दन नीचे, हाथ नीचे और धीरे धीरे दोनों पैर नीचे। अगला अभ्यास मर्कटासन का करेंगे। मर्कटासन कमर के रोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, स्लिप डिस्क या फिर आपकी एल्बोन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक आसन मर्कटासन को माना गया है। मर्कटासन के लिए पीठ के बल लेटी हुई सम स्थिति,
अब अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपनी गर्दन के नीचे इस प्रकार से रखें। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लेकर आएं। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ बेंड करेंगे लेफ्ट साइड, और अपनी गर्दन को बेंड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन यानी कि राइट साइड में। कुछ क्षण इसी प्रकार से इस स्थिति में बने रहें। धीरे से अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और गर्दन को पैरों को राइट साइड लेकर जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड में। कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें। प्रयास करें कि आपके लोअर बटक्स ज्यादा से ज्यादा जमीन पर मिले रहें। धीरे धीरे पुनः वापस स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे से शवासन की स्थिति में चले जाएं। अब पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम शलभासन। शलभासन के लिए पेट के बल लेटी हुई समस्थिति, दोनों हाथ आपके जंघा से सटे हुए और हथेली आसमान की तरफ। सरल शलभासन का पहले अभ्यास करेंगे, उसके बाद में शलभासन का अभ्यास। सरल शलभासन के लिए अपने सीधे पैर को धीरे धीरे 30 डिग्री तक उठाएं, होल्ड करें। कुछ क्षण बने रहें इस स्थिति में। धीरे से वापस अपने उल्टे पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे 30 डिग्री तक उठाएं। कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस। ये था शलभासन, सरल शलभासन। अब अगला अभ्यास शलभासन का करेंगे। शलभासन के लिए अपने दोनों पैर को धीरे धीरे उठाएं, कुछ क्षण होल्ड करें। धीरे से वापस स्थिति में आ जाएं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिप से अपने दोनों पैर को उठाने और दोनों पैरों के घुटने ना मुड़े, दोनों पैरों के घुटने को सीधा रखना है। अगला अभ्यास सरल भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेटी हुई समस्थिति में। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर में लाएंगे, शरीर अभी जमीन से सटा हुआ। अब धीरे धीरे से अपनी नाभि से अपने शरीर को आसमान की तरफ उठाएंगे। ध्यान रखिए कि आपकी नाभि जमीन पर ही हो, आसमान की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस। जो लोग सरल भुजंग आसानी से कर पा रहे हैं वो भुजंग आसन करने का प्रयास करेंगे। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने शोल्डर लेवल पर रखें। आपकी दोनों कोहनी आपके शरीर से सटी हुई, अब शरीर का अगला हिस्सा आसमान की तरफ उठाएं। एल्बोज बैंड रखें। अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करें। इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस। अगला अभ्यास धनुरासन का करेंगे। धनुरासन के लिए पेट के बल लेटी हुई समस्थिति, अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दे अपने बटक्स के पास लाएंगे। अब दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने को पकड़ेंगे। अब धीरे धीरे शरीर का अगला पिछला हिस्सा उठाएं। अपनी बॉडी का बैलेंस अपने नाभि केंद्र पर बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। बॉडी वेट को
अपने नाभि केंद्र पर बैलेंस करें, सामने एक दृष्टि पर देखें, धीरे से वापस आ जाएं, पुनः मकरासन में रिलैक्स करें शरीर को, दोनों हाथों को एक को पर एक रख के चिन को रेस्ट करें, दोनों पैरों के बीच में एक फीट का गैप। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।